नमस्कार, आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो अपनी मांगों को लेकर फिर से धरने आंदोलन की राजनीति में कूद पड़े हैं। घर पर राशन सप्लाई और लापरवाह और बॉयकॉट करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर केजरीवाल एंड टीम कल रात से ही आज सुबह तक धरने पर जमी हुई है। सीएम डिप्टी और डिप्टी सीएम के साथ साथ मंत्रियों ने पूरी रात एलजी हाउस के वेटिंग रूम में गुजारी। केजरीवाल का एतराज ये है कि एलजी उनकी सरकार के काम में अड़ंगेबाजी का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एक ही दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने यह भी कहा था कि अब वो चुप नहीं रहेंगे और आज फिर से वो धरने पर जम गए हैं। पार्टी के और कार्यकर्ता भी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा इस धरने में शामिल होंगे। सीआरपीएफ की इसीलिए तैनाती वहां पर कर दी गई है ताकि वहां पर स्थिति को संभाला जा सके। एलजी हाउस के बाहर ये धरना कल रात से ही चल रहा है और अब आप देख सकते हैं कितनी लंबी चौड़ी बटालियन है सीआरपीएफ की जो यहां पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि एलजी उनकी मांगों को अनसुना कर रहे हैं, उनके काम में अटकलें लगाते हैं। 11 बजे से अनशन में सत्येंद्र जैन भी जुड़ जाएंगे, तमाम जो दूसरे मंत्री हैं आपके वो भी इस धरने में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी वर्कर्स जिन्होंने सोमवार देर रात तक एलजी सेक्रेटरीट के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, वो आज फिर से एलजी सेक्रेटरीट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपनी संख्या एलजी सेक्रेटरीट के बाहर बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के भी सेना। सीधे आपको सिंगापुर लिए चलेंगे जहां पर ट्रंप और किम जोंग उन की दूसरे दौर की मुलाकात खत्म हो चुकी है। बाहर वो निकल आए हैं, साथ में दोनों दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। लगभग 41 मिनट पहले दौर की मुलाकात चली थी, दूसरे दौर की मुलाकात में अधिकारी भी शामिल हुए थे और ये माना जा रहा है कि हर लिहाज से ये मुलाकात ट्रंप और किम जोंग की ऐतिहासिक है। लेकिन सवाल वही कि क्या दोनों के मिलने के बाद दिल भी मिलेंगे या फिर दुश्मनी यूं ही चलती रहेगी। बैठक के बाद कहने निकले हैं दोनों नेता, हालांकि पहली मुलाकात के बाद थोड़े असहज दिखे थे किम जोंग उन, लेकिन अब काफी रिलैक्स मुद्रा में वो ट्रंप के साथ नजर आ रहे हैं। पत्रकारों के सवाल जारी हैं, कुछ सवालों का जवाब दिया गया ट्रंप की ओर से, कुछ का जवाब किम जोंग उन ने दिया, लेकिन उसके बाद ये सभी लोग वहां पर देखते रहे कि किस तरह से दोनों नेता वापस अंदर होटल की ओर लौट गए। सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड के एक नामी होटल में यह ऐतिहासिक मुलाकात हो रही है। कई दौर हैं इस मुलाकात के जिसमें अधिकारियों के साथ भी बैठक हो चुकी है दूसरे दौर की। कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा भी की जा रही है और लंच के साथ ही बैठक खत्म हो जाएगी, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। तो सदी की सबसे बड़ी मुलाकात, उसकी लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक के बाद किस तरह से किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों साथ में दिखाई दिए। लंबे वक्त से इस मुलाकात पर सभी की नजरें टिकी हुई थी और आपको बता दें कि तैयारियों का दौर भी जोरों पर था। अब ये मुलाकात हो रही है, दूसरे दौर की मीटिंग भी खत्म हो चुकी है और अब गाड़ी में बैठकर दोनों नेता यहां से निकलेंगे। लंच के साथ ही बैठक खत्म हो जाएगी। देखिए ये तस्वीरें किस तरह से दोनों नेता अपने अपने अधिकारियों के साथ मौजूद हैं। कई जगहों पर दोनों को असिस्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आगे का क्या कार्यक्रम है और किस तरह से इस मीटिंग को आगे ले जाना है। हालांकि ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये किम जोंग और ट्रंप साथ मिलकर कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ अधिकारियों का जो दल है वो बता रहा है कि आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला, कि फोटो अपॉर्चुनिटीज का दौर लगातार जारी है और सवालों का भी। ये
वो समय बताया जा रहा है जब पहले दौर की मीटिंग खत्म हुई, दोनों नेताओं ने संग बातचीत करी, लेकिन उसके बाद दूसरे दौर की जो मीटिंग हुई उसमें अधिकारी भी शामिल किए गए और अब दोनों नेता एक साथ, आप देख सकते हैं ये सेंटोसा आइलैंड का एक नामचीन होटल जिसमें दोनों की मुलाकात चल रही है। किम जोंग उन हालांकि कई जगहों पर थोड़े से असहज और परेशान से दिखाई दिए, कई चीज़ें वो ट्रंप से और वहाँ मौजूद अधिकारियों से समझ रहे हैं। ये नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जो लंबे वक्त के बाद इस तरह की मुलाकात में हिस्सा ले रहे हैं, कई मायनों में ये मुलाकात ऐतिहासिक क्योंकि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते जिस तरह से बीते दिनों में रहे उसको लेकर ये माना जा रहा है कि कई ऐसी बातें दोनों नेताओं के बीच की जा सकती है जिससे हालात सुधर सकते हैं, जिससे दोनों के रिश्ते सुधर सकते हैं और ऐसे में सभी की नज़रें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी मुलाकात इस सदी के से माना जा रहा है और यही वजह है कि दुनिया भर के पत्रकार यहाँ पर पहुँचे हैं, इस मुलाकात के पल पल पर नजर बनाए हुए हैं। तो आज सुबह में एक बार फिर से रुक करेंगे सिंगापुर का, जहां पर दो दिग्गजों के दूसरे दौर की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें कि सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या जो दिलों की दूरियां हैं वो कम हो पाएंगी, जो रिश्तों की खटास है वो दूर हो पाएगी और ये मुलाकात का जो दूसरा दौर है वो खत्म हो चुका है। दोनों के बीच एक लंच मीटिंग भी हो चुकी है और किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों साथ नजर आ रहे हैं। दोनों की तरफ से बयान भी जारी किया गया है बैठक के बाद, कहा गया है कि उम्मीद से बेहतर हुई है बैठक, जो उम्मीद की गई थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर बैठक का नतीजा निकला है। ये ट्रंप की ओर से बयान है। कई सवाल पत्रकारों की ओर से पूछे गए, ट्रंप ने उसका जवाब दिया। ट्रंप के में दूसरे दौर की जो बैठक थी उसमें अधिकारी भी शामिल थे और एक लंच मीटिंग का भी दौर था जो अब खत्म बताई जा रही है। महामुलाकात किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, दोनों अपने वतन की बेहतरी के लिए आपसी समझौते और बातचीत के कई दौर में इसमें हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर पहुंचे हैं। बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा सुनिए। I feel really great. We're going to have a great discussion, and I think tremendous success. It'll be tremendously successful. And it's my honor, and we will have a terrific relationship, I have no doubt. 우리한테는 이 발목을 잡는 그 과거가 있고 또 그릇된 국민과 발행들이 우리 때로는 우리 눈과 귀를 가리고 있었는데 우리 모든 것을 이겨내고 이 자리까지 왔습니다. The past fit worked as fetters on our wings, and the old prejudices and practices worked as obstacles on our way forward, but we overcame all of them and we are here today. That's true. What a lesson. तो आपने सुना किस तरह से दोनों नेताओं ने कहा कि इतिहास और जो पूर्वाग्रह थे उसने दोनों नेताओं को मिलने से रोका, लेकिन सभी बाधाओं को पार करके दोनों मिले और दो मुलाकातों का दौर हुआ। ये जो आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले, ये दरअसल जब पहले दौर की मीटिंग खत्म हुई थी उसके बाद जब दोनों नेता अंदर बैठे तब ये बातें कही गई। इतिहास और पूर्वाग्रहों के कारण कई बार इस तरह की मुलाकात टली है, लेकिन अब की बार इस मुलाकात के परिणाम सकारात्मक रहे हैं। ये तमाम बातें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई और हर लिहाज से इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि दोनों देश जिस तरह से इतिहास में एक दूसरे के प्रति अडिग रहे हैं, कई मामलों में दोनों ने समझौते नहीं किए हैं, अपनी अपनी रणनीति पर ही चले हैं दोनों देश, उसे देखते हुए ये मुलाकात कहा जा रहा है कि दोनों देशों के लिए काफी सकारात्मक साबित हो सकती है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।